नमस्कार, सौभाग्य किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी राजमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर आप इस तरह बनाओगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक कटोरी राजमा लिया है। राजमा दो तरह का होता है, एक देखिए इस तरह का होता है, एक क्रीम कलर में आता है। इस राजमे को मैंने रात भर भिगो के रखा था। देखिए भिगोने के बाद ये डबल हो चुका है। इसे हम कुकर में अभी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और चार सीटी आने तक इसे बॉईल करेंगे। देखिए चार सीटी लगा के मैंने राजमा को बॉईल कर लिया है। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है मैंने। एक चम्मच जीरा लिया है, दो टमाटर की प्यूरी बना ली है, दो प्याज की पेस्ट बना ली है, हरा धनिया लिया है, तेज पत्र लिया है, एक इलायची ली है छोटी। मसाले में लिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और तेल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हो चुका है हमारा, इसमें डालेंगे प्याज की पेस्ट। इसे हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए प्याज को हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तेज पत्ता भी डालेंगे, छोटी इलायची भी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छे से पकने देंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से हो चुका है, इसमें डालेंगे मसाले। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और देखिए टमाटर की प्यूरी डालेंगे इसके ऊपर। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी अच्छे से पकने देंगे। देखिए पेस्ट हमारा हो चुका है, साइड से तेल छूटने लगा है। इसमें डालेंगे अभी हम राजमा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। पहले भी मैंने नमक डाल दिया है, इसलिए थोड़ा सा डालूंगी ऊपर से। अभी मिक्स करेंगे फिर से अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा या पतला। थोड़ी देर इसे पकने देंगे अच्छे से। देखिए सब्जी हमारी हो चुकी है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा राजमा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे घर पर बना के देखिए। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।